पा रहे हैं इस वक्त हम जिला अस्पताल में मौजूद हैं और एक दफा फिर हमारे कानों ने वो आवाज़ सुनी पाकिस्तान में जो नहीं सुनना चाहते थे, तंग आ चुके हैं, कब्रिस्तान के कब्रिस्तान दहशतगर्दी से भर चुके हैं, बहुत नुकसान हो चुका था इस मुल्क का। लेकिन एक बार फिर कल बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाकया हुआ और पुलिस, रेंजर्स, आर्मी की बरवक्त कार्रवाई से, इनकी शहादतों से कोई बहुत बड़ा सानहा होने रोनमा होने से बच गया। उसके अंदर जिन पुलिस अफसरान ने हिस्सा लिया और जो पुलिस के सिपाहियों ने हिस्सा लिया, रेंजर्स फोर्स सब ने, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तानी आवाम के लिए पुलिस होने के बावजूद भी फलाई कामों में पेशे। हमारे DSP अब्दुल रज़ाक साहब यहाँ मौजूद हैं, जख्मी हैं बेचारे। मकसूद मेमन साहब ने जब ये फ्लड का पूरा ऑपरेशन लीड किया, 500-500 ट्रक लेके निकलना कराची से और चमन तक जाना और फिर सिंध के बॉर्डर तक जाना, उसके अंदर फूड के हेड थे, DSP थे और कल इस वाक्य में जख्मी हुए हैं। मकसूद मेमन साहब भी की अदब को आए हैं, तमाम सिपाही को जो आपके लिए गुलदस्ता भी लेकर आए। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग भी हमारे पास पुलिस में मौजूद हैं जो चाहे सैलाब हो, जलजला हो, आंधी हो, तूफान हो, आप यकीन करें 3 फोन तो मैं इनको कर चुका हूँ कि सर आपका एक गोल्ड मेडल रखा हुआ गवर्नर साहब देना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी मसरूफियत होती है, इंशाल्लाह कोई टाइम निकालेंगे। सर क्या मैसेज देंगे अपने हीरो के लिए? सर थैंक यू भाई, जफर भाई हमेशा ख्याल करते हैं और जब हम सैलाब से पहले नहीं इतना जानते थे तो उन्होंने बताया कि उससे पहले भी काफ़ी जिसकी हेल्प की उन्होंने, और अभी अचानक अब मिलने आए तो मुलाकात हो गई तो अपने हाथ में चेक लेके आए सारे मरीजों के लिए तो इस तरह की हेल्प हो सके। गवर्नमेंट भाई ने ऑलरेडी कह दी है ये मेडल भी मिलेगा, हेल्प मिलेगी, मगर आपका ये प्यार पैसों की कीमत अपनी जगह पे, मगर ये जो आपका गेस्टर है ये इनको हमेशा याद रहेगा। सर मैंने जो शुक्र गुजार है, इनके मुंह से सबसे बड़ी बात सुनी ना मैंने, जब मैंने इनसे पूछा कि कैसा लग रहा है कि आपके अफसरान खड़े, तो इन्होंने आपने क्या बोला, मेरे अफसर नहीं है हमारे बाप है, बोला ये अफसर नहीं है हमारे बाप है, और जिस तरह हमारा ख्याल रखता है ये बड़ी बात है कि आप लोगों के साथ और आप लोग खुद इस ऑपरेशन में उतरे। यकीन करें हमारी दुआ है कि दोबारा हमारे कान इस किस्म का कोई वाकया ना सुने। हमने बड़े मसाजिद, बड़े इमामबारगा, बड़े चर्च, बड़े जुलूस, बहुत दहशतगर्दी के शिकार देखे। जी सर हमारे जो चीफ है इनका सर पे हमारे हाथ रहेगा तो इंशाल्लाह कराची के अंदर कोई ऐसी चीज उतार नहीं होने देंगे जो पहले होती रही है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैंने सर से बोला सर हम बहुत छोटी सी रकम लेकर आए हैं, सर ने बोला कम से कम जफर 5-5 लाख के चेक होने चाहिए जख्मियों के लिए, मैंने कभी तो 1-1 लाख के लेकर आया हूँ, 23 के करीब जख्मी है। ये आपका प्यार, इनका प्यार सुने, इनका प्यार, ये उसे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ठीक है जख्मियों को तो कर रहे हो भाई, जिन बेचारों ने कल जान हथेली में लेके अंदर कूदे थे मेरी टीम, अगर वो जिंदा है खैरियत तो उनका भी राइट बनता है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए, ये हुकूमत के लिए हमारे चेक ले लो किसी गरीब को, नहीं गरीब नहीं, गिफ्ट है सर आपके लिए, और इनका जज्बा देखिए मेरे पूरी टीम को सोचा, जिन्होंने जान की परवाह नहीं की, सबके बच्चे थे घरों पे, सबकी माएं थी, सबकी औलाद थी, हमारे हमारे सर जो है खाली एक को नहीं दे, मैं इनका फैन हूं सर, इनके 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 इनका मैं इस तरह फैन हूं, मैं छोड़ जाएगा भाई। कनाडा से नौकरियां छोड़ के आए हैं हजारों डॉलर से और यहाँ कराची के लिए, सिंध के लिए सर्व कर रहे हैं, और इन जैसे अफसरान हमारे पास मौजूद है, जिस सिपाही से मिलने हर एक के चेहरे पर उम्मीद है कि हमने अपने लोगों के लिए काम किया, अपने लोगों के लिए जिंदगी की बाजियां लगाई। जो लोग शहीद हो गए, मैंने पुलिस से मैंने रब्ता किया सर से, एडिशनल IG से, कि वो जो मसीही बंदा है उसके लिए क्या किया, तो उन्होंने कहा कि जो हम पुलिस के शौदा के लिए देंगे 2 नौकरियां और रकम वही उसको भी देंगे, तो इंशाल्लाह फिर मैंने कहा चले जख्मियों को जो है ना वो पूरे दुनिया के अंदर बेहतरीन पुलिस मिलेगी, SSU हमारा एक ऐसा यूनिट है जो पूरी दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। नहीं SSU फखर है सर, पाकिस्तान का, सिंध का फखर है, कराची का फखर है। सिंध पुलिस को हमारी दुआ है कि हमारे जो बाब है, हमारे चीफ है, ये बस उस मुकाम पे है, इंशाल्लाह इस पुलिस डिपार्टमेंट सिंध पुलिस का बच्चे को जोर होगा। सर मैं एक दफा फिर पूरे पाकिस्तान से बोलूंगा, सिंध पुलिस हमारा फखर है, सिंध रेंजर्स, पाक आर्मी सब लिए दुआ करें, इन जख्मियों के लिए दुआ करें, शौदा की मफरत की दुआ करें, और अब दोबारा हमारे कान कोई इस किस्म का वाकया ना सुने, हम नहीं कह सकते, हमारे इक्तसादी हालात ऐसे नहीं है, हमारे माशी हालात ऐसे नहीं है, हमारे दिल इतने मजबूत नहीं है, हजारों लाखों जवान दफना चुके हैं इन दहशतगर्दी की नजर। सर कोई मैसेज है देना चाहिए? यही मैसेज है कि हम तैयार हैं और कोई भी मेरी आंख से देखेगा तो आंख निकाल देंगे, दफना देंगे। थैंक यू मेरा ख्याल रखो जल्दी से बस ठीक है। नहीं बस नेक्स्ट।